गाइस गोप्रो को अपन लोग डालेंगे सीधे पानी के अंदर। डाल भाई। तो गाइस ये देखो यहाँ पे जो गोप्रो चल रहा है, ठीक है, अभी चलता चलता जो इसको रिकॉर्डिंग ऑन कर देता हूँ मैं इसकी, ठीक है, इसको ऐसे किया, ठीक है, तो अभी डालते हैं इसको पानी के अंदर, देखते गाइस कैसा व्यू आने वाला है। गाइस यहाँ पे मेरे साथ में एक सीन हुआ, जब मैं गाइस यहाँ पे गांव को गया था, तब गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मेरे दो फिश मर चुके हैं और ये भी मरने के इस पे ही है। गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये भी, यार मतलब पता नहीं यार क्या सीन हुआ, पानी जो है गाइस बहुत गंदा हो गया, ये देखो गाइस कितना गंदा हो गया है पानी, ठीक है, तो अभी मेरे को पानी चेंज करना होगा, पता नहीं कैसे यार ये भी मरने वाला है, ठीक है गाइस, यार पता नहीं गाइस ये कैसे हो गया, ये भी मतलब जब फिशेस जब ना गाइस नीचे बैठने के लिए लगते हैं ना, तो गाइस वो मरने के लिए इसमें होते हैं, मतलब इनको मतलब सांस में प्रॉब्लम होती है। इसका देखो गाइस पेट फूल गया बहुत ज़्यादा, ठीक है, और एक और था गाइस जो मैंने वाइट वाला लिया था, देखो लास्ट व्लॉग में आपको दिखाया था, तो वो भी मर गया गाइस, मतलब क्या ही बोलूं कैसे मर रहे पता नहीं गाइस, ये दिल से बुरा लगता है भाई ऐसा। फिलहाल के लिए गाइस इन दोनों को जो है गाइस अभी मैं छेड़ूंगा नहीं, अगर ये लोग ठीक होते तो ठीक है, वरना गाइस इनको मेरे को अलग निकालना होगा पहले, तो अभी फिलहाल के लिए मैं सबसे पहले तो इन दोनों को अलग निकाल लेता हूं गाइस, बहुत ज्यादा ही गंदा हो गया। तो गाइस अभी मुझे जो है इसको जो पीने का पानी जो हमारा आता है बोरिंग का नहीं डालता हूँ, पीने का पानी डालता हूँ, तो वो पानी डालना होगा अभी, वो ठीक भी हो सकते हैं, तो अभी हम लोग ना इनको अलग निकाल रहे हैं, क्योंकि गाइस बीमार मतलब ये लोग जो है दूसरों को भी बीमार कर सकते हैं, और गाइस मतलब अभी ये देखो गाइस तो इनको जो है गाइस नीचे बैठने लग गए ना फिशेस एक जगह पे, तो समझ जाना है इनका मैंने मतलब बहुत फिशेस मरे यार मेरे पहले, तो मुझे पता है, और प्लस उनको भी मैंने कॉल किया था जिन अंकल से लेके आया था उन अंकल से, तो पापा अभी इसके अंदर डाल देंगे। देखो गाइस इनको जो है अभी नमक के पानी में रखना, अगर ठीक होते हैं वो तो ठीक हो जाते हैं, और ठीक है तो इनको अभी नमक के पानी में अलग निकाल के रखना होगा। यहाँ पे भी गाइस थोड़ा सा ये लोग एनर्जी कम होती है, ये देखो गाइस ये भी नीचे ही है, कब से नीचे है देख रहा हूँ मैं आधे घंटे से, तो उसको भी पापा को निकालना होगा, तो अभी पापा इसको आराम से, देखो गाइस ये झटपट आ भी नहीं रहा है, बाकी के देखो गाइस कितना चतुर है और कितना झटपट है, खाने के लिए भी ऊपर नहीं आ रहा है, तो इसको अभी हम लोग थोड़ा सा खाना डाल देंगे और प्लस नमक डाल देंगे इसके अंदर, जिससे कि गाइस ये लोग जो है थोड़ा सा अभी बच सकते हैं, अगर दिखाऊंगा गाइस आपको पूरे व्लॉग में अगर ये बचते हैं या नहीं, ठीक है, फिलहाल के लिए गाइस इनको अब अलग कर दिया है, और अभी इस पानी को भी मेरे को चेंज करना होगा, जो बीमारी फैली है पानी के अंदर वो जो उनसे उनको बचाना होगा, फिलहाल के लिए अभी ये लोग जो है अलग निकल चुके हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, लेकिन ये दो लोग जो है इसमें से एक वाइट वाला भी था आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये वाला वाइट वाला भी था वो भी मर गया गाइस, तो अभी इसकी दवाई आती है वो दवाई डाल रहे पापा उसके अंदर, ठीक है, तो गाइस इसको इसके अंदर अभी नमक डालेंगे पापा, तो उसके बाद में देखते हैं क्या होता है। सो गाइस जिस बात का डर था वही हुआ, मतलब परसों के दिन मैंने ये फिश मतलब फिश जो है अलग करके रखे थे, मुझे पता था गाइस वो लोग बीमार है, ठीक है, तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये जो है ये देखो गाइस एक मर गया है गाइस उसमें से, ठीक है, और एक पूरा मर गया है, अब उसको जो है गाइस मेरे को पता था गाइस वो लोग बीमार है, और बहुत बुरा लगता है यार गाइस जब कोई अपना पेट कोई भी पेट रहो मतलब डॉग रहो या फिर कुछ भी रहो, ये एक वन टाइप ऑफ पेट ही है, जब वो अपने को छोड़ के जाते हैं तो बुरा लगता है, तो एक फिश दो फिश मरे गाइस मेरे, वो वाइट वाला भी उस दिन मर गया था, अब ये भी मर गया, और गोल्ड फिश सारे मर गए, और जो बाकी के फिश थे ये देखो गाइस उनका मेंटेनेंस करना पड़ेगा उनका। इस फिश को पहले तो गाइस अपन लोग मिट्टी के अंदर ये करेंगे, ठीक है, जो मरा है, और दूसरे फिश को थोड़ा सा पानी चेंज करके ये करेंगे, ठीक है, अलग से रखेंगे, मतलब अलग से रखेंगे ताकि बाकी फिश को मतलब तकलीफ ना हो और मतलब सब ठीक हो जाए। हाँ गाइस ये बड़ी अच्छी बात कही और एक फिश ले लेते हैं यार। हाँ अपन लोग आज जाएंगे गाइस, आज के व्लॉग में हम लोग नया फिश भी लेके आएंगे, क्योंकि गाइस एक मतलब एक चीज कम हुई है, तो मतलब हमको फिश नहीं ना, तो एक फैमिली मेंबर कम हुआ है, तो दूसरा फैमिली मेंबर लेके आएंगे, लेकिन वो उसकी वैल्यू कुछ अलग थी, ठीक है, जो पहले थी, ठीक है, उसके जैसा दूसरा नहीं हो सकता, लेकिन अभी फिलहाल के लिए अपने को पानी चेंज करना है, मैं सारी चीजें दिखाऊंगा आपको पानी कैसा चेंज करते हैं, बहुत सारे बंदे कमेंट लास्ट वीडियो मैंने डाला था उसमें गाइस 2.5 लाख व्यूज आप लोगों ने कंप्लीट करे, तो गाइस उसके लिए बहुत ज्यादा शुक्रिया। तो गाइस मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बंदे सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे, रोज वीडियो देख रहे, यार गाइस ऐसा मत करो, 100K करना है इस चैनल का, सिल्वर प्ले बटन चाहिए, जल्दी से सब्सक्राइब करो, बेल वाला नोटिफिकेशन आइकॉन है उसको भी ऑल पे सेलेक्ट कर लो, और गाइस इस व्लॉग का लाइक एम जो है 20K रहेगा, ठीक है, 20K पे गाइस मैं जो आप लोग बोलोगे वैसा फिश टैंक बनवाऊंगा, ठीक है, तो जल्दी से गाइस कर दो। या अभी जो है गाइस मैं आज के व्लॉग में आपको दिखाऊंगा कि इसका पानी कैसे चेंज करना है, और नया फिश लेके आऊंगा, और कौन सा फिश लूँ वो कमेंट करने के लिए बोला था मैंने लास्ट व्लॉग में, तो उस कमेंट देखूंगा गाइस उसमें कौन से फिश के लिए आप लोगों ने कमेंट किए, कौन सा सबसे प्यारा फिश है, तो आज शॉप में भी जाएंगे, फिलहाल
निकाल के लिए गाइस ये यहाँ पे ये चीज है, देखो ये चीज जो है गाइस इससे हम लोग पानी निकालते हैं। देखो इसको ऐसे दबाना है पानी में डाल के, डालना है इसको ऐसे पानी में डालने दबा के जो है ये वाला इसके अंदर जाएगा, तो इसके अंदर जो है गाइस पानी पूरा जमा हो जाएगा। ठीक है, तो पानी निकालना है सबसे पहले तो साफ करना है टैंक, ठीक है, ताकि दूसरा इन्फेक्टेड वाटर को हमको बाहर निकालना है पूरा। और ये पूरा नया पानी हमने यहाँ पे भर के रखा है, इस पानी के अंदर क्लोरीन होता है, तो क्लोरीन जो है बिल्कुल भी नहीं चलता है फिशेस को, ये इतना याद रखना। ठीक है, क्लोरीन जो है इनको बिल्कुल भी नहीं चलता। तो गाइस अपने को ये क्लोरीन क्लीनर है यहाँ पे, ये दवाई होती है जिससे गाइस यहाँ पे क्लोरीन इसको जो है पानी के अंदर क्लोरीन जो है क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो गाइस इस पानी के अंदर मैं क्लोरीन डाल देता हूँ थोड़ा सा, सॉरी क्लोरीन को क्लोरीन रिमूवर डाल देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ इस पानी के अंदर, ये देखो गाइस ये डाल रहा है भाई। ठीक है, ज्यादा गिर गया क्या? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ज्यादा साफ हो जाएगा, ज्यादा साफ हो जाएगा पानी। और ये वाला जो है जब चेंज करूंगा तब डालना है, इसपे से जो फिश के ऊपर फंगस वगैरह जो होते हैं वो क्लियर हो जाता है इस दवाई से। तो फिलहाल के लिए अभी अपन लोग करते हैं शुरुआत। ये तो हीटर है गाइस, अगर पानी ज्यादा गर्म हो जाता है या फिर ज्यादा ठंडा होता है तो इसको गर्म करते हैं इससे। ठीक है, तो चलो गाइस अपन लोग देखते हैं, फिलहाल के लिए पानी के अंदर ये वाला चीज डालते हैं। ठीक है इसको, ठीक है, ध्यान रखना है कि गाइस इसमें से फिश ना आ जाए। ठीक है, नीचे नीचे तक लेके जा रहा हूँ, ठीक है पूरा। ठीक है, तो देखते हैं गाइस, अपनी बादली भरनी नहीं चाहिए वरना लोल हो जाएगा। तो अभी देखो गाइस, इधर देखो, इधर मैं अब इसको दबाऊंगा, सारी चीज नीचे निकलेगी। आ गया पानी। तो गाइस अभी इस तरीके से पूरा पानी निकलेगा इसके अंदर, ठीक है, और वो पूरा क्लियर हो जाएगा। बस देखना ये है कि फिश ना आ जाए इसके नीचे, फिश आ गया तो लोल हो जाएगा, फिश फंस जाएगा उसके अंदर। हाँ वो पंप निकाल लो, पंप निकाल लो पहले, ग्लास पोछो। हाँ ग्लास क्लीन नहीं होगा पहले, हाँ पूरा पानी चेंज नहीं करना है उसमें से। ठीक है, तो चलो गाइस अपन लोग थोड़ा सा इसको पानी रोक देते हैं, और गाइस पहले तो कांच पोछ लेते हैं स्पंज से। ठीक है, ओके। सो गाइस अभी मैं इसको पहले साफ कर लूंगा, इधर जो देखो गाइस यहाँ पे गंदगी लगी है पूरी, ठीक है, वो हट जाएगी, साफ करूंगा, फिर उसके बाद में उसको पानी में से हटाऊंगा, क्योंकि ये पानी पूरा चेंज नहीं करना होता है। अगर पूरा पानी चेंज करोगे तो आपके फिश मर जाएंगे, क्योंकि उनको पानी पूरा नया हो जाता है ना। तो ये देखो गाइस किस तरीके से निकल रहा है, देखो ये निकल ही नहीं रहा साला, ये देखो। रुको जरा, सबर करो, इधर चिपक के रहते हैं फिश, बहुत ज्यादा डर रहे गाइस अभी। मेरा हाथ देख सकते हो आप लोग फिश के साथ में कैसे, वो देखो वो देखो, जो इधर हाथ ले जाऊंगा उधर आएंगे, मैं इधर हाथ लेके जाऊंगा उधर आएंगे। ये भाई ये भी सही है गाइस, मजा आ रहा है वैसे तो। चलो गाइस देखते हैं, इसमें से अभी फिलहाल के लिए बीमार कोई नहीं है। देखो गाइस बीमार फिश कैसे समझता है, जो धीरा होता है मोमेंट में, जिसका स्पीड धीरा है, देखो इनकी मोमेंट देखो कितनी ज्यादा है, ये देखो ये बीमार नहीं इसमें से कोई भी, मोमेंट स्पीड बहुत ज्यादा है इनकी। अरे भाई 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 वाह मोदी जी वाह, फिश ना आ जाए। इसको मैं हिला रहा हूँ पानी को, ताकि ये जो पानी चेंज करेंगे अपन लोग तब सारी गंदगी इसके साथ निकल जाए। अब ये डर जाएंगे, बहुत ज्यादा डर जाएंगे, उनको चक्कर भी आएगा क्योंकि पानी घूम रहा है ना। अच्छा पूरा पानी से कितना गंदा हो गया अभी, पूरा गंदा हो गया क्योंकि नीचे की पूरी गंदगी निकल गई ना, पत्थरों की नीचे की वगैरह, ये टट्टी करते वो भी निकल गई। छी 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 छी। अभी अपने को ये जो स्पंज है इसके अंदर डाल दूं क्या, पानी के अंदर ये? हाँ डाल दे। सो गाइस अभी पानी देख सकते हो आप लोग किस तरीके से कम हो रहा है, ये पूरा पानी निकलता हुआ अपने फिश टैंक में से। भाई 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 पूरी गंदगी निकलती हुई इसमें से, देख सकते हो आप लोग गंदगी दिख रही है रोन उसमें, नहीं कैमरे में दिख, ज्यादा दूर पास आना पड़ेगा। देखो भाई देखो गंदगी देख सकते हो आप लोग, पूरा पानी कम होता हुआ उसमें से, और इधर आ रहा है पूरा बाटली में पानी। अब ये बाटली भरते जा रही है, अपने को खत्म करना होगा, निकालना होगा, वरना इधर अपन गीले हो जाएंगे। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करो। गाइस यहां पे भूषण ने उठा लिया सबसे हार्ड काम। ओए आराम से भाई, आराम से आराम से आराम से, तुम निकालना अकेले। अबे उधर क्या बोला तूने, तो सदन में घूमड़े क्या अकेले काफी है, धीरे 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 काफी नहीं था। 40% पानी चेंज करना होता है, तो गाइस यहां पे 40% पानी चेंज हो चुका है, ठीक है। और इसमें जो गंदगी है अभी भी है, लेकिन वो थोड़ी सी गंदगी होनी चाहिए, अगर पूरा साफ कर दोगे तो फिश जो है मर जाएंगे, तो पूरा साफ पानी नहीं होना चाहिए। एक चीज डाल देता थोड़ा सा, ठीक है, ताकि इनको जो है गाइस यहाँ पे फंगस वगैरह से ना इन्फेक्टेड हो, ठीक है। अच्छा सो गाइस यहाँ पे बहुत बुरा लगता है यार, देख सकते हो आप लोग ये फिश जो है गाइस अभी नीचे लेके जा रहा हूँ मैं, तो नीचे लेके मिट्टी के अंदर उसको ये करेंगे, क्योंकि कोई दूसरा डॉग वगैरह उसको खा लेगा तो अच्छा नहीं लगता हो। तो चलो गाइस नीचे चलते हैं, फिर उसके बाद में न्यू फिश लाने जाएंगे। पानी थोड़ा सा क्लियर होने के लिए टाइम लगेगा, जैसे कि मैंने अभी भी चेंज किया इसलिए उसका ऑक्सीजन मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो चलो गाइस नीचे चलते हैं। सो गाइस अभी हम लोग इसको मिट्टी में डाल रहे हैं। डर क्यों रहा है, मर गया वो पहले। अरे ये देखिए क्या निकला इसके अंदर से, क्या जब यहाँ पे खड्डा खन रहे थे गाइस अचानक से निकल,
अब इसको हम लोगों ने मिट्टी में ये कर दिया है, ठीक है। तो अभी चलते हैं गाइस दूसरे फिशेस और फिश के लिए घर लेने, देखते हैं क्या क्या उनके पास में अवेलेबल है। चलो आ गया हमारा फिश का शॉप यहाँ पे सी वर्ल्ड। अभी हम लोग यहाँ पे शॉप में आ चुके हैं और इधर अलग अलग फिशेस है। ये देखो गाइस, ये देखो कितने प्यारे है, ये देखो गाइस कितने प्यारे फिशेस हैं। और ये वाले लेने का सोच रहा हूँ गाइस मैं, ये स्टार टाइप लग रहे हैं। और ये भी देखो गाइस, ये भी प्यारे फिशेस हैं, ठीक है। लेकिन देखो लास्ट टाइम अपन ने ये वाले लेके गए थे, तो ये वाले भी बहुत मस्त है। और ये देखो कितना मोटा है, देख ये देख रोहन, देख कितना मोटा है, अलग ही फिश है देख। हाँ भाई ये जूम कर उसको, जूम कर उसके ऊपर, जूम करो। हाँ सब देखो गाइस किस तरीके से मोटा है वो। और ये देखो ये कितने अलग है, ये देखो। तो गाइस मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कौन सा फिश लू, बड़ा मत बताना क्योंकि बड़े यहाँ पे मेरे इधर रहेंगे नहीं। ये भी बड़े है गाइस, ये भी बहुत ज्यादा बड़े हो जाएंगे टैंक में, ठीक है। तो उनके लिए उतनी जगह नहीं है, बड़ा टैंक नहीं है अपने पास में फिलहाल के लिए। ये भी देखो कितने प्यारे, ये भी अच्छे लग रहे हैं यार, रोन कलरफुल है ये भी देख। हाँ यार अब से कलरफुल फिशेस रखने के लिए बहुत मजा आता है। तो अपन क्या करते हैं, दो ये ले लेते हैं और दो वो वाले ले लेते हैं, क्या बोलते हो? चलेगा, ये तो मेरे को बहुत पसंद आया ये वाले, बता खतरनाक। ये देख भाई साहब मजा आया। ये भी देखो ये ब्लू वाले भी कितने, अरे भाई ये देखो वन ब्लू वाली रेयर स्पीशीज है। ये देखो ब्लू वाली क्या, हाँ बहुत पता नहीं था स्पीशीज है वो। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये भी देखो, ये तो नॉर्मल गोल्ड फिश है, लास्ट टाइम लेके गया था इसमें मर गया गाइस मेरा। ये भी देखो, ये तो बड़े है, बहुत ज्यादा बड़े है और ये बहुत मजबूत भी रहते हैं, ये भी मर सकते हैं इसमें भी पानी में वगैरह डाल के। अरे इसमें भी है वो रेयर वाले, ये तो लेटेस्ट न्यूज है। हाँ इसमें भी है, एक ही है। और ये वाले ले ले, नहीं तीन वाले ले ले, इसका अंदर भी है। ये देखो येलो वाले बहुत एक्टिव है, ये बहुत महंगे रहेंगे, पूछता हूं अंकल से, बहुत एक्टिव है वो। ये भी देख। तो गाइस कमेंट करके जरूर बताना कौन सा लेना चाहिए। अभी फिलहाल के लिए दो फिशेस हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कौन से ले, ठीक है। और यहाँ पे भी देखो गाइस, ये देखो इधर वाला भी देखो, ये कोई है, ये देखो ये कोई है, और इधर भी देखो ये वाला देखो, सब बहुत अच्छे फिशेस है यहाँ पे। और ये भी देखो, ये वाला हेड देखो, इसका सर देखो। ये फिश भी अकेला ही रखना पड़ता है क्योंकि ये भी अटैकिंग फिश है इधर, ये भी अच्छे। तो चलो गाइस अपन लोग डिसाइड करते हैं दो फिश कौन से लेने हैं। तब तक के लिए गाइस आप लोग सिनेमैटिक्स देखो। मैं सोच रहा था ये ब्लू वाले लू लेकिन ये चिकलेट है, अंकल से पूछा तो अंकल बोले ये इनके साथ में रहेंगे नहीं, सबको मार डालेंगे। ये शांत फिश है, ठीक है। और ये है एग्रेसिव फिश, तो ये एग्रेसिव फिश सबको मार देंगे, ये सबको खा के चिरफाड़ कर देंगे सीधे, ऑस्कर में चिरफाड़ कर देंगे। ऑस्कर को भी अकेले रखना पड़ता है, अगर यही इसके रखने पड़ेंगे अपने को, अगर ये लिए तो फिर वो झगड़ा करते हैं। सो गाइस यहाँ पे सब्सक्राइबर मिल गए, तो अभी अपन लोग इनके साथ में, ओए लग गई इसको मेरे को भाई, बहुत जोर से लगी है, खत्म। तो गाइस नैन भाई का फैंस यहाँ पे भी मिल गए फिश के, यहाँ पे मजा आ गया भाई यहाँ पे। सो गाइस अभी अंकल निकाल रहे, पकड़ में नहीं आ रहे अंकल के, देखते कैसे आएंगे। अलग अलग कलर के तीन फिशेस लिए गए जिसमें से, क्योंकि कलरफुल फिशेस बहुत अच्छे लगते हैं। तो अभी इन्होंने यहाँ से निकाले है, तो गाइस यहाँ पे चार निकाले, ठीक है, दो जोड़ी अलग अलग करके। तो चलो अभी और लेते गए, एंजल फिश बोलते गए जिसको, आप लोग देख सकते हो ये निकल रही है। ओ भाई, और अंकल जो है अभी सीधे उसके अंदर डालेंगे, ठीक है। और गाइज आपको अगर कोई और भी पसंद आ रही है जितने भी फिश दिखाए, आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, वो वाली फिश लूंगा। लेकिन छोटी फिश अपना टैंक जो अभी बाद में थोड़े दिन बाद बड़ा करेंगे, ओके। अभी फिलहाल के लिए ये देखो गाइज, ये पूरा हो गया है रेडी, ये अलग अलग कलर के लिए है, चार कलर है, ये ऑरेंज, रेड, ग्रीन, कौन सा ग्रीन है, पैरट, हाँ येल्लो है वो, येल्लो और ग्रीन मिक्स है, और ये एंजल है। तो ये दो लिए मैंने, ये चार लिए, और मेरे को ब्लू वाला भी पसंद आया था लेकिन वो अटैकिंग फिश है, वो साथ में रह नहीं सकते गाइस, सह लेंगे थोड़ा सा। ये वाले भी अच्छे लगेंगे है ना, कौन से ये वाले, हाँ ये चॉकलेट मोली, हाँ वो भी। तो ये दो, ये भी एक जोड़ी कर देना, तो गाइस ये भी बहुत ही अलग लगेंगे, बच्चे भी बहुत होते हैं इसके। हाँ क्या, हाँ अगर आपके यहाँ कमल का कुंड होगा तो डाल दो, तो ढेर बच्चे मिल जाएंगे आपको। चलो भाई चलो, अभी घर से निकल लिए, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो भाई साहब, ये देखो कितने प्यारे लग रहे हैं इसके अंदर भी प्यारे ही लगते हैं वो लोग, ठीक है। तो भाई वो देखो, उधर सब्सक्राइबर ने पहचान लिया अपने को,
अरे भाई नहीं भाई, यहाँ खड़े खड़े रहते रहते दो तीन सब्सक्राइबर ऐसे ही मिल जाते हैं। मिल जाते हैं, अरे प्यार करते हैं ना गाइस, पहचान लेते सारे। आप लोग भी कभी मिलोगे तो आप लोग भी पहचान ही लोगे। पता नहीं यार, तुम लोग लाइक नहीं करते हो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो भाई इसी बात पे। चलो ले लिया अपन भैया, हम वीडियो में आएंगे कल। हां वीडियो में आएंगे, चल तो रहा है, व्लॉग हो रहा है भाई। हाय गाइस, हाय गाइस, डांस डांस। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। तो गाइस अभी मैंने जो है गाइस यहां पे इसको जो है पानी के अंदर जो पानी का टेम्परेचर होता है वो नॉर्मल होने के लिए रख दिया है गाइस। ये देख सकते हो आप लोग कितने प्यारे लग रहे हैं, और पानी अभी क्लियर होते जा रहा है, होते जा रहा है। जैसे पूरा क्लियर हो जाएगा यहाँ पे मैं इन फिश को भी छोड़ दूंगा, और टेम्परेचर जो है इस पानी के जितना ही इस पानी का भी हो जाए आधे घंटे के बाद में, फिर गाइस इन फिश को इसके अंदर छोड़ते हैं। ठीक है, बहुत मज़ा आने वाला है। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग कितने प्यारे लग रहे हैं यार फिश टैंक के अंदर। अभी झगड़ा कर रहे हैं क्या? नहीं 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 नहीं। तो गाइस मज़ा आया होगा, तो गाइस एक लाइक ज़रूर करना फटाक से, सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है, मुझे कुछ नहीं पता, जल्दी से कर दो गाइस इस वाले व्लॉगिंग चैनल के 100 के कर दो गाइज। यार आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हो, नए व्लॉग देख रहे हो तो सब्सक्राइब करो गाइज, नीचे जाके सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो गाइज अभी मैं पानी के अंदर छोड़ता हूँ इनको थोड़े से देर में। Few inches later. So guys, यहाँ पे मैं जो इनको अभी छोड़ने वाला हूँ, ठीक है। तो चलो गाइज इसको जो पानी में छोड़ते हैं, ठीक है। आ रहा है भूषण पूरा फ्रेम अच्छे से, देख सकते हो आप लोग। अभी ये सारे जाएंगे, ठीक है, पानी में से जाएंगे। ओ भाई 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 गए सारे, चले गए। और गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कितने प्यारे लग रहे हैं। देखो गाइज ये देखो एंजल, देखो कितने प्यारे लग रहे हैं, मजा आया। अभी मैं जो चीज करने वाला हूँ यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये GoPro है, ठीक है। इसको ऑन कर देते हैं गाइज, ठीक है। इसको जो है वीडियो मोड पे डालते हैं, और गाइज GoPro को अपन लोग डालेंगे सीधे पानी के अंदर। मत डाल भाई। तो गाइज ये देखो यहाँ पे जो GoPro चल रहा है, ठीक है। अभी चलता चलता जो इसको रिकॉर्डिंग ऑन कर देता हूँ मैं इसकी, ठीक है। इसको ऐसे किया, ठीक है। तो अभी डालते हैं इसको पानी के अंदर, देखते गाइज कैसा व्यू आने वाला है। टडा टडा टडा, देखते गाइज इसको पास में से डाल के देखते क्या सीन होने वाला है। वो भाई साहब गाइज क्या ही आ रहे हैं फिशेस। तो गाइस निकाल लिया नैन भाई ने, पानी में से निकाल लिया है। अब इसको अपने आप लोगों को दिख जाएगा कैसा तगड़ा आया है गाइस। अभी मैं वीडियो खत्म ही कर चुका था, लेकिन गाइस अभी जो ये वाला बचा हुआ था ये फिश बीमार, जो दूसरा था वो भी मर गया, और जो आज कल आया था वो भी एक मर गया गाइस। पता नहीं यार क्यों मर गया, क्यों नजर किसकी नजर लग गई है पता नहीं है, लेकिन गाइस यार पता नहीं क्यों ये लोग मर गए। तो यार बहुत बुरा लगता है यार मरने के बाद में, कोई दिक्कत नहीं है गाइस। अभी पता नहीं अब क्यों मर रहे, उनको पूरा दवाई वगैरह सब दे रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं वो अंकल के पास वापस जाऊंगा, पूछता हूँ अंकल को कि भाई क्यों, क्या हो रहा है, प्रॉब्लम क्या हो रहा है, किस चीज में प्रॉब्लम है, पानी बदल रहा हूँ, सब बदल रहा हूँ, पता नहीं क्यों मर रहे हैं लोग।